नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत, सारस्वत डिजिटल टाइपिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। कई सारे सवाल पूरे देशवासियों में है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, क्या पैटर्न है। आज दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी नॉलेज देने जा रहा हूँ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से क्या होने वाला है। सारी की सारी क्वेरीज आज हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसमें सीईटी का जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका क्या पैटर्न होने वाला है, क्या एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे बोर्ड समाप्त हो जाएंगे, क्या ये खत्म हो जाएंगे, या एनआरए इन सभी चीजों को खत्म करेगा, या ये अभी भी एडजस्ट रहेंगे, बने रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्या साल में अब एक ही परीक्षा होगी या कई सारी परीक्षाएं होगी, इस पे हम यहां पर बात करेंगे। सीईटी का सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या कंपटीशन अब विद्यार्थियों के लिए बढ़ जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या एनआरए सही है या गलत है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, उन सभी मुद्दों पे दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, वीडियो को स्किप नहीं करें, आगे नहीं बढ़ाएं, पूरा वीडियो देखते हुए चले। आपको ये सारे के सारे जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी माइंड में डाउट है, वो सारे आज एक ही वीडियो में हम लोग आपको क्लियर कर देंगे। दोस्तों, तो यहां पर बात हो रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की। तो जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत जो थी वो निर्मला सीतारमन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1 फरवरी 2020 को ही बजट के दौरान अनाउंस कर दिया था कि एनआरए जैसी संस्था का निर्माण किया जा रहा है और अब वो आने वाली है। और यहां पर दोस्तों, 19 अगस्त को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है उनके द्वारा इस भर्ती का, सॉरी, इस एजेंसी का जो है वो अनाउंस कर दिया गया है कि इसको बना दिया गया है। इसका जो दोस्तों मुख्यालय होगा ये दिल्ली के अंदर होगा और ये संस्था स्वतंत्र रूप से जो कार्य करना चालू करेगी वो 2021 से चालू करेगी। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स होंगे इसके बारे में वो सब हम अब आगे इसमें चर्चा करेंगे। तो ये 19 अगस्त 2020 को इसके बारे में अनाउंस हो गया है और ये अब काम करने जा रही है। 2021 से जो भी भर्तियां होगी उसको, जो उस एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, वो अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सीईटी एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, सीईटी एग्जाम पैटर्न की जब बात अपन करते हैं दोस्तों, तो यहां पर बात आ रही है क्या आरआरबी अब एग्जाम कराएगा, नहीं, एसएससी या आईबीपीएस एग्जाम नहीं कराएंगे। और अगर ये लोग अगर बने रहेंगे, एग्जाम भी कराएंगे, तो सीईटी का क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है। तो दोस्तों, यहां पर अब मैं आपको बता देता हूं, सीईटी जो भी, अब देखिए, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, आईबीपीएस है जो बैंकों के एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहां पर दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्री पेपर होता है, जिसमें आपके जो फर्स्ट पेपर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है दोस्तों, यहां पर सीईटी का मीनिंग है प्री पेपर की, जो फर्स्ट चरण आपका होता है उस पेपर को यहां पर अब नाम दे दिया गया है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आरआरबी के लिए भी चलेगी, एसएससी के लिए भी चलेगी और आईबीपीएस के लिए भी चलेगी। प्री एग्जाम अब ये लोग नहीं करा पाएंगे। प्री एग्जाम कौन कराएगा, अब एनआरए के द्वारा, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके द्वारा सीईटी का एक एग्जाम होगा जिसको आपको फिल करना है। और इसके बाद में आप जब इसको पास कर जाएंगे तो आरआरबी में, एसएससी में और आईबीपीएस में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाओगे। आप तीनों का एग्जाम अब एक साथ लगेगा, एक ही पेपर के माध्यम से लगेगा। अलग अलग आपको इसका पेपर, आरआरबी का पेपर देने नहीं जाना है, आपको एसएससी का अलग पेपर देने नहीं जाना है, आईबीपीएस का अलग पेपर देने नहीं जाना है। अब आपको इन तीनों ही भर्तियों का एक ही पेपर देना पड़ेगा बस। अगर आप उसको पार कर जाते हो तो जो सेकंड राउंड है, फिर जो सेकंड राउंड है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा प्री पेपर होता है फिर मेंस होता है, तो जो प्री पेपर होता है वो सीईटी कहलाएगा और मेंस होगा वो दोस्तों अब जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो और चाहे वो आईबीपीएस हो। मान लीजिए टाइपिंग की बात करते हैं, स्टेनो के स्टूडेंट की बात करते हैं कि स्टेनो के स्टूडेंट का पेपर कौन लेगा, स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट दोस्तों आपका लेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
आरआरबी के अगर बात करते हैं कि जो नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, पीओ की बात करें, चाहे वो क्लर्क की बात करें, चाहे वो एसएससी 10+2 की बात करें, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात करें, तो दोस्तों ये सारे ही इनके सबके प्री पेपर जो है वो अब एनआरए के द्वारा सीईटी के माध्यम से लिया जाएगा। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे इसी चैप्टर को हम थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं कि क्या है ये, किस तरह से एग्जाम होंगे, क्या साल में अपन एक ही एग्जाम दे सकेंगे। तो यहां पर दोस्तों अभी तक जो एनआरए की जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है उसमें अभी तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 डिपार्टमेंट को ही यहां पर एड ऑन किया गया है, जिसमें एसएससी है, आपका आरआरबी है और आपका आईबीपीएस है। तो ये 3 तरह के ही जो डिपार्टमेंट है उसको ऐड किया गया है। और बाद में अगर ये चीज सक्सेस जाती है दोस्तों, तो इसमें प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनको भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा। मतलब आपके जो स्कोर है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी ले सकती हैं और उससे भी आपको जो रोजगार है वो आपको मिलेगा। तो ये काफी अच्छी स्कीम है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो अगर ये स्कीम एक बेटर वे से इंप्लीमेंट हो जाती है तो दोस्तों भारत में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे जो है वो इसके रिजल्ट जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब पूरे साल में एक ही एग्जाम होगा क्या। तो दोस्तों यहां पर अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अब कैटेगरी डिवाइड होगी। यहां पर 3 कैटेगरी इन्होंने बताई है। एक होती है ग्रेजुएशन लेवल की, दोस्तों जहां पर भी आपका ग्रेजुएशन लेवल चलेगा, एक तो जिसमें ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट मानी जाती है, जैसे आप सीजीएल के और जो बड़े एग्जाम देते हैं। दूसरी बात करता हूं 10+2 की, और तीसरी बात करते हैं हम 10th से रिलेटेड जो भी फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की या अदर कोई वैकेंसीज जो निकलती हैं, चाहे वो एसएससी में निकल रही हो, चाहे वो आरआरबी में निकल रही हो, चाहे वो आईबीपीएस में निकल रही हो। तो यहां पर दोस्तों 3 तरह के एग्जाम अब यहां पर ये कंडक्ट होंगे। एक ग्रेजुएशन लेवल वालों का अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 10+2 के लेवल का अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और 10th के लेवल का अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब एक साल में ये 3 तरह के एग्जाम होंगे। और आपको ये भी बता देता हूं, एक साल में ये 2 बार टेस्ट होंगे, एक साल में ये 2 बार टेस्ट होंगे। तो 2 बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कितनी बार हो गए, एक साल में 6 बार ये टेस्ट होंगे दोस्तों। 10th के लेवल के 2 बार टेस्ट होंगे जो 10th के लेवल के हैं, 12th के लेवल के 2 बार टेस्ट होंगे और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उसके भी 2 बार टेस्ट होंगे। उसके बाद भी मेंस का जो भी क्राइटेरिया है वो आपके बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराएंगे, अपने तरीके से एग्जाम्स कराएंगे, स्किल टेस्ट जो है वो आपके रिक्रूटमेंट बोर्ड ही कराएंगे, लेकिन सीईटी आपको 6 बार ये एग्जाम कराएगा। अब यहां पर जो बेनिफिट की बात है वो भी हम बात करेंगे कि इसमें प्रो एंड कॉन्स इसके क्या हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि क्या आप कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक ही एग्जाम नहीं होगा। नहीं दोस्तों, आपको हर 6 महीने में मौके मिलेंगे आपके स्कोर कार्ड को बेटर करने के लिए, और जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा वो आपके 3 साल तक वैलिड रहेगा दोस्तों। 3 साल तक में जो भी कट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी, अगर आप में जो भी आपने 3 साल के अंदर मान लीजिए आपने 6 बार एग्जाम दे दिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, आप 3 क्या आप 8 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी, लेकिन एज लिमिट अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं की है। लेकिन जब भी एज लिमिट आती है दोस्तों उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या एज लिमिट इसमें वो रखेंगे। तो अभी तक एज लिमिट का गवर्नमेंट ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया है कि क्या एज लिमिट रखी जाएगी, लेकिन यहां पर यह जरूर बताया गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी बार भी ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हो, और जो भी हाई स्कोर आपका रहेगा दोस्तों वही हाई स्कोर आपका आगे के एग्जाम्स में माना जाएगा। मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपने कोई जैसे फर्स्ट बार में आपके 70% बन रही है, आपने दोबारा एग्जाम दिया तो आपके 68% बन गई। तो दोस्तों यहां पर जो ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं वही वैलिड होगा। 68% वाले को आप उसमें से आपकी इच्छा है कि आप 68 को लगाते हो या 70 को लगाते हो, अगर आप 70 को भी लगाते हो तो 68 इनवैलिड हो जाएगा। जो भी टॉप मार्क्स रहेंगे दोस्तों वो माने जाएंगे आपके, चाहे वो आपने पहले दियो चाहे बाद में दियो। आप ये मत सोचिएगा मेरे इस बार 80% आ गए, अगली बार मैं देता हूं 60% ही आ गए, नहीं, 80% को ही माना जाएगा, 60% को नहीं माना जाएगा। ये भी एक अच्छी सुविधा इसमें दी गई है आप लोगों को।
तो यहां पर मैं आपको समझा चुका हूं कि बोर्ड कहीं खत्म नहीं हो रहे, बोर्ड अपनी जगह पे रहेंगे, एग्जाम अपनी जगह पे होंगे, कई सारे एग्जाम्स होंगे, मौके आपको खूब मिलेंगे। और ये एक अच्छी खबर है कि अगर कई बार पहले क्या हुआ करता था कि मौका निकल जाता था, पेपर हार्ड आ जाता था, आपको स्कोर कार्ड बनाने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब यहां पर ये इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पहले वैकेंसीज बढ़ जाया करती थी। मान लीजिए एलडीसी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी की 1500 वैकेंसी आ रही है, आरआरबी में ही एलडीसी की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए 2000 वैकेंसी आ रही है, और आईबीपीएस के अंदर मान लीजिए 7000 वैकेंसी क्लर्क की आई। तो यहां पर ये टोटल जो एड ऑन करते हुए अपन बात करेंगे तो 3,500 से 10,000 वैकेंसी हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये एक ही एग्जाम के साथ हर एक बच्चे को 10,500 वैकेंसी का एक सुनहरा मौका मिलेगा। मेहनत करने वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स में हम आगे और बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखते हुए चलिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की, काफी इंपॉर्टेंट है सिलेबस पे बात करना कि अब क्या पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो सकता है सिलेबस वाली चीज, यहां पर अभी तक गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं बताई है कि क्या सिलेबस आने वाला है। लेकिन अब यहां पर जो होच-पोच होने वाली चीज है, जो परेशान होने वाली चीज है, वो भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। आरआरबी का पैटर्न, एसएससी का पैटर्न लगभग थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन फिर भी चेंजेस हैं। और यहां पर जब आईबीपीएस की बात कर लेते हैं तो ये पूरी तरह से चेंज है दोस्तों। लेकिन अब तीनों के एग्जाम एक ही पैटर्न पे होंगे तो सीधी सी बात है, सिलेबस तो कहीं ना कहीं चेंज होगा। अब बात हो रही है कि ये पॉलिटी, जो पॉलिटी है आपकी, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, इस पे बेस्ड ऑन ज्यादा रहेगा, या फिर आपकी रीजनिंग, मैथ्स, करंट जीके जो आपके आईबीपीएस में चलता है, ये सब चीजें ज्यादा रखेंगे। तो ये आप गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यू सिलेबस लाया जाएगा, कि ये एसएससी आरआरबी से रिलेटेड होगा, आईबीपीएस से रिलेटेड होगा, या दोनों को मिक्स करके एक न्यू पैटर्न यहां पर। अब तक जो दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे थे वो आप पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं पहले के टाइम पे एसएससी के, या जो भी फॉर्म फिल कर चुके हैं, उन लोगों के पुराने पैटर्न पे एग्जाम होगा। लेकिन जो अब नए भर रहे हैं 2021 से, क्योंकि कोरोना के बाद अब 2021 आने ही वाला है दोस्तों, यहां पर आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो एनआरए के सीईटी एग्जाम पैटर्न पर ही होगा। और यहां पर अभी तक किसी भी प्रकार का सिलेबस नहीं बताया गया है। जैसे ही सिलेबस यहां पर कवर होगा दोस्तों, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि, और दोस्तों यहां पर आपकी जो भी सीईटी का नया पैटर्न आएगा, इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये आपको यहां पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको पूरी सीईटी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, एनआरए के प्रो एंड कॉन्स पे। अब हम यहां पर डिटेल से बात करेंगे हर एक चीज की। तो प्रो एंड कॉन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट क्या क्या है दोस्तों। यहां पर अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पहले आप ये समझिएगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर अपन को सामान खरीदना होता था। अब एक ही शॉप हो गई है पूरी चीजों को खरीदने के लिए, एक ही एग्जाम हो गया है पूरी सभी में एंट्री करने के लिए। पहले आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट आईबीपीएस की तैयारी करते थे, बैंक की तैयारी करते थे, जहां रीजनिंग करते थे, मैथ्स करते थे, स्पीड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और कुछ लोग एसएससी की तैयारी करते थे और कुछ लोग आरआरबी की तैयारी करते थे, और तीनों के ही पैटर्न और तैयारी करने के तरीके, तैयारी करने के इंस्टीट्यूट सब अलग हुआ करते थे दोस्तों। आप देखते थे कि कहीं पे आरआरबी की तैयारी, रेलवे की तैयारी कराई जा रही है, कहीं पर एसएससी की तैयारी कराई जा रही है, और कुछ इंस्टीट्यूट होते थे जो आईबीपीएस बैंक की तैयारी कराते थे। तो एक बच्चे को करियर चूज करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, एग्जाम भरते टाइम उसको सोचना पड़ता था कि मैं आईबीपीएस की तैयारी करूं, एसएससी की तैयारी करूं, या किसी अन्य की तैयारी करूं। तो अब यहां पर दोस्तों आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं मानता हूं। इससे लोगों को वैकेंसी ज्यादा मिलेगी, एक साथ लोग डिवाइड नहीं होंगे, पढ़ाई एक करनी पड़ेगी, और जो पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट यहां पर आपको मिलने वाला है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एक कॉमन जो एग्जाम है वो यहां पर हो रहा है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है।
दूसरी बात करें, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, मेरे को क्या नहीं करनी है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, नई शिक्षा नीति पे भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। और आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको जो दूसरा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि पहले हमें, मान लीजिए मैंने 3 एग्जाम पे फॉर्म भरे, मेरा एक आता है मान लीजिए दिल्ली के अंदर, मेरी एक सेंटर आता है, एक सेंटर मेरा राजस्थान में आता है और एक सेंटर मेरा गुजरात में आता है। तो मेरे को 3 जगह पर अलग अलग स्टेट में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मुझे एग्जाम देना होता था, और उसमें मेरा खर्चा भी लगता था। एक बेरोजगार व्यक्ति है, वो अपना ट्रेन से जाता है, बस से जाता है, होटल लेता है, या जो भी खर्चे होते हैं दोस्तों वो अब तक वहन करने पड़ते थे फॉर्म की, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके अलावा। अब दोस्तों क्या कर दिया गया है, एनआरए के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि अब हर जिले में जो भी आपका गृह जिला है उसमें सेंटर रखा जाएगा। अब आपको इधर उधर सेंटर नहीं दिए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा और मैं समझता हूँ बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों यहाँ पर। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पर हम प्रॉफिट की जब बात करते हैं वो ये है कि पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, दो कॉमन लैंग्वेज ली जाती थी, एक होती थी हिंदी और एक होती थी इंग्लिश। लेकिन जो बाकी लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती है, या जो भी, अभी तक यहां पर 12 लैंग्वेज में अब ये एग्जाम होगा। हालांकि 12 लैंग्वेज कौन कौन सी होगी ये अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, वो भी बहुत जल्द गवर्नमेंट की गाइडलाइन जैसे ही आएगी मैं आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों अब तक जो मराठी, जो महाराष्ट्र के मराठी लोग हैं, उन लोगों को अपनी जीके पढ़ने के लिए या तो हिंदी को चूज करना पड़ता था या इंग्लिश, लेकिन अब 12 रीजनल लैंग्वेज पे ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज पे ही आप अपनी जीके को या आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार कर सकेंगे और अपना इस एग्जाम को दे सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला आपके हितों में गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि आप लोगों को ये मिले हैं। और दोस्तों अब हम सेकंड जो बात करते हैं, अच्छा यहां पर एक बेनिफिट और मैं आपको बताना भूल गया हूं, एक बेनिफिट और ये है कि आपको 3 साल तक आपका ये जो भी मार्क्स लेकर आ रहे हैं आप, ये 3 साल तक वैलिड रहेंगे दोस्तों। इसमें आपको एक अच्छी चीज ये हो रही है कि दोस्तों आप जानते हैं कि कई बार आप एग्जाम अच्छा दे देते हैं, स्किल टेस्ट में आप रह जाते हैं, और यहां पर अब एक अच्छा बेनिफिट ये भी रहेगा, और अगली बार जब आप स्किल टेस्ट को तैयार कर लेते हैं तो आप प्री पेपर में रह जाते हैं। तो यहां पर जो आपका स्कोर कार्ड है दोस्तों 3 साल तक वैलिड रहने वाला है। इसकी अब आगे टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट क्या रखती है वो आगे आने वाले वीडियोस में जब गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी मैं आपको बिल्कुल लेकर आऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए यहां पर है। इसके बाद अब दोस्तों नेगेटिव भी, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स की। हमने प्रो की तो बात कर ली है दोस्तों, लेकिन अब कॉन्स की भी हमें बात करनी यहां पे जरूरी है। चलिए कॉन्स में क्या चीज आ रही है अब हमें वो देखना है। कॉन्स की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मैटर है कॉन्स के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों आपको क्या है वो देखते हैं। पहला जो इसमें लॉस लगेगा, जो स्टूडेंट 1-2 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, 1-2 ईयर से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत नजदीक से वो रह रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा और मेहनत करके इसमें क्रैक कर जाऊंगा, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा दुख की बात हो सकती है दोस्तों। क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, वो अब पूरी तरह से चेंज हो सकता है, और अगर आपका पैटर्न चेंज हुआ तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट जा सकती है दोस्तों यहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स है इस एग्जाम्स को लेके। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, आज से जान लगा दीजिए, अपनी मेहनत को सक्सेस करके निकल जाइए इस नए पैटर्न से, क्योंकि नए पैटर्न के बाद में नए और पुराने स्टूडेंट सब यहाँ पर बराबर हो जाएंगे और आपको एक स्टार्टिंग वे से आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसका एक जो सबसे बड़ा कॉन्स है वो एनआरए का यहाँ पर ये है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं जो एक ही सिलेबस पे काम कर रहे थे अब वो उस सिलेबस पे काम नहीं कर पाएंगे।
तो यहां पर पूछे कि ये प्रो एंड कॉन्स थे। दोस्तों ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एनआरए के बारे में, सीईटी के बारे में पूरी नॉलेज मिल चुकी होगी। और फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेशन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई आने वाले वीडियोस में आपको जरूर दूंगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।